नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनएन मीडिया और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। फिल्म इंडस्ट्री में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कब यहां पे कौन दुश्मन बन जाए और कौन दोस्त, अब कल का ही देख लीजिए। कल यानी 15 मार्च को भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार जिन्हें कहा जाता है यानी खेसारी लाल यादव जी का था जन्मदिन और वहां पहुंचे पावर स्टार यानी पवन सिंह। अब अचानक से पवन सिंह पहुंचेंगे तो भाई तहलका तो मचेगा, वो भी खेसारी लाल यादव के जन्मदिन पे। मेरे छोटे भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप देश दुनिया में ऐसे ही एकदम विराजे रहिए और लव यू टू मेरा भाई। चलिए आप लोग चाकू लीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आप सबको तो पता ही है, आई थिंक सबको पता है कि इन दोनों के बीच काफी लंबे वक्त से मतभेद चल रहा था और दोनों ही नहीं इनके करीबी भी लाइव आके एक दूसरे पे कई इल्जाम लगा रहे थे, हाल ही के स्कूल को लेकर मामला हो या फिर गानों को लेकर हो। लेकिन भाई हम गड़े मुद्दे क्यों उखाड़े, अंत भला तो सब भला। फाइनली खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक हो ही गए। साथ ही मैं बता दूं, ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है खेसारी लाल यादव को और उनके बर्थडे पे यानी ट्रेंडिंग स्टार के बर्थडे पे ट्रेंड कर रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह। अब ये सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, तो मैं बता दूं कि पवन सिंह का गाना कल यानी खेसारी जी के बर्थडे पे रिलीज हुआ जिसका नाम था बबुनी तेरे रंग में और वो ऑल ओवर ट्रेंड कर रहा है, उस वक्त नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा है और अब 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस गानों को देख चुके हैं। गाने के बारे में बता दूँ, इसमें दिख रही हैं टीवी एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी जो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, पवन सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री जम रही है। गाना रिलीज हुआ है सलीम सुलेमान नाम की यूट्यूब चैनल पे और इस गाने को म्यूज़िक कंपोज किया, प्रोड्यूस भी सलीम सुलेमान जी किए हैं। इनके बारे में आप हर कोई जानते हैं, बॉलीवुड का जाना माना चेहरा है। खैर, पहले तो यूनियन मीडिया की तरफ से खेसारी जी को एक बार फिर से जन्मदिन की बधाई और ट्रेंडिंग में होने के लिए पवन जी को ढेर सारी बधाई। और ऐसे ही अपडेट के लिए आपको क्या करना है, बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूएनएन मीडिया।